की बड़ी खबर मिल रही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बेला जिला पहाड़ियों से पीछे हुई है। बासागुड़ा और गंगालूर के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। नक्सली लीडर पापा राव की टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले कटे कल्याण क्षेत्र की अगर बात करें, वहां और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पुलिस पार्टी की चल रही है। कई जगहों पर तो पुलिस पार्टी ने नक्सलियों के कैंप को ही ध्वस्त कर दिया। भारी मात्रा में हर जगह से नक्सली सामग्री भी बरामद की जा रही है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बुधवार का दिन छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के नाम से याद किया जाएगा। अगर हम सुबह से लेकर अब तक की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पार्टी की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल ही रही है। वहां क्या ताजा स्थिति इस वक्त? ये जो मुठभेड़ है, बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है। और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का एक बड़ा ऑपरेशन है जिसमें लगभग 1000 जवान निकले हुए हैं। दंतेवाड़ा से 500 जवान और बीजापुर से 500 जवान मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ ले हुए। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र के पार में जो पहाड़ियां लगती है उसके उस पार में बीजापुर का इलाका पड़ता है और उस इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। और बताया जा रहा है कि इसमें जगरगुंडा इलाके में सक्रिय सबसे कुख्यात नक्सली है पापा राव, उसके साथ में ये मुठभेड़ चल रही है। और कई ऐसे स्पॉट्स हैं नक्सलियों के जहाँ पर अचानक से फोर्स के जवानों ने धावा मारा है और वो सामान छोड़ करके वहां से फरार हुए हैं। जी बिल्कुल, वाकई में कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए, क्योंकि पंकज आज ही झीरम घाटी नरसंहार में शामिल एक नक्सली ने सरेंडर भी किया है। उसके बाद जिस तरह से ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। और बता दूं मैं कि इस समय नक्सलियों का एक ओटीटीटी का ये वक्त चल रहा है और नक्सली बड़े हमले की फिराक में रहते हैं। ऐसे में जवानों ने जो इतना बड़ा ऑपरेशन जो निकाला है, दंतेवाड़ा से 500 जवान, बीजापुर से 500 जवान, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को बैकफुट में ढकेलने के लिए जवानों ने ये कार्रवाई निकाली है। और जिस तरीके से इनपुट आ रहे हैं कि जवान भारी पड़ रहे हैं और सामान भी बरामद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं और बड़ी कामयाबी है पुलिस विभाग के लिए। जी चलिए, नशे बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी रेगुलर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, खबर लगातार जारी है।